हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं KTM Duke 250 लॉन्ग टर्म रिव्यू अबाउट इट्स प्रोस कॉन्स एंड द स्पेयर पार्ट कॉस्ट एंड आपको ये पॉकेट पे कितना पड़ेगा, एफिशिएंट है या नहीं है, इसके प्रॉब्लम्स, फ़ायदे, कैसी गाड़ी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ इसके किलोमीटर से, कितना मैंने चलाया है। एज यू कैन सी, ये मैंने चलाई है अराउंड 8300 किलोमीटर्स एंड 8300 किलोमीटर्स में मैंने मोस्टली सिटी कम्यूटिंग की है। आई लिव इन पुणे। माय डेली रूटीन इज़ टू गो टू शिवाजी नगर फ्रॉम लोहेगांव और मैं हाईवे भी गया हूँ। आई हैव बीन टू लवासा, पावना लेक, लोनावला विद माय राइडर्स, फेलो राइडर्स। सो प्रोज की बात करूँ मैं पहले, तो प्रोज में इसका इंजन द मोस्ट स्वीट थिंग। ये अराउंड 30 का BHP प्रोड्यूस करता है, 25 का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इंजन 249.9 cc का है, वेरी रिफाइंड इंजन है, बहुत स्वीट है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, 6 speed गेयरबॉक्स है एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसका एग्जॉस्ट। KTM ने अंडरबेली ऑटो वाली आवाज़ से हट के ये एग्जॉस्ट निकाला है एंड इट्स रियली गुड। इसका एग्जॉस्ट काफ़ी साइलेंट है, काफ़ी रिफाइंड है। व्हेन यू क्रूज अबव 6000 RPM इन एनी गियर, यू कैन फील दैट द एग्जॉस्ट इज वेरी साइलेंट, इट्स वेरी प्लीजेंट टू योर ईयर्स। So that is one good thing I prefer, because when I was riding my fellow rider's bike Apache 200, उसका exhaust क्या बहुत बेसी है। तो problem क्या होता है उसमें कि जब आप 90s की स्पीड से cruise कर रहे हैं तो exhaust इतना आवाज़ करता है कि ज़्यादा देर चलाओगे आप तो आपको ears पे irritation होता है, वो इस गाड़ी में नहीं होता। इसका tank capacity भी is pretty good, it's 13.5 liters और mirrors are very good, seat I would say is the best thing. Seat is very spacious, very soft and handlebars are quite close to the rider, it's very good. You can very well maneuver it in the traffic, so it's a pretty good thing to have this type of styling. The styling of this bike overall, I would say it looks like a baby Duke, baby Super Duke, and it's also good. You can see we have these good DRLs with the headlight, that's a good part. And इसका अब माइलेज की बात करूँगा तो माइलेज मेरे को इन सिटी बिटवीन 25 to 30 मिल जाता है एंड हाईवे बिटवीन 35 to 40 मिलता है। और इसका पिलियन सीट इज़ गुड इनफ, बट अगर ज़्यादा देर पिलियन बैठेगा सो ही कांट सिट, बिकॉज जब आप पिकअप देते हैं द पिकअप इज़ टू मच दैट दीज हैंडल बार्स डजेंट हेल्प, वो राइट पिलियन पीछे की तरफ भागेगा बहुत स्पीड में एंड ही विल फील स्केर्ड। एंड अबाउट द स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट, तो स्पेयर पार्ट्स में आउट से अगर आप पेड सर्विसिंग करा रहे हो तो बिटवीन 2000-3000 रुपीज़ लगेगा आपको, इंजन ऑयल चेंज वगैरह एवरीथिंग। बस कोई पार्ट का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इट विल कॉस्ट यू मोर। और बात करूँ इसके अभी कॉन्स की, तो कॉन्स आई वुड से कि इसका जो ये टेल लाइट का जो ये इंडिकेटर है, दिस आर वेरी डेलिकेट। इसका पोजिशनिंग ऐसा है कि अगर आपने ओपन पार्किंग में खड़ा किया तो दिस कैन ईजिली ब्रेक, मेरे साथ एक बार हो चुका है ये, तो आई नो व्हाट द पेन इज़। और सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मेरे को इसका लगता है वो इसका आगे का फोक, इट्स अ WP फोक, नो डाउट, वेरी स्टेबल, वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम इज़ ऑयल लीकेज। जब आप बारिश में चला रहे हैं इसको तो ऑयल लीकेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेरा 4 बार मैंने ऑयल सील चेंज कराया है, 3 बार आगे वाला USD फोक का ये जो पाइप है, ये जो पाइप आप देख सकते हैं ये चेंज कराया है, इसलिए मैंने आप देख सकते हैं कि ये फोक गार्ड अप्लाई किया है जिससे कि बारिश में उसके ऊपर कुछ ऐसे डर्ट वर्ट ना जाए अंदर। एंड द लास्ट कॉन अबाउट दिस बाइक इज़ द ब्रेकिंग। आई वुड से ब्रेकिंग इज़ गुड इनफ, बट व्हेन यू आर राइडिंग इन रेन और रेनी सीजन यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ABS दिस बाइक हैज़ राइट नाउ। KTM हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब एडिंग द ABS टू द 2019 वर्जन, दिस इज 2017 वर्जन, बट यू हैव टू ड्राइव सेफली इफ़ यू डोंट हैव द ABS एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।